अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 23। अज अस नव यूनिट स्टार्ट क्यों था जैमें अस पढ़ासे इकोलॉजी शाये एनवायरमेंट हैबिटेट पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस खबर हो तो पुट एनवायरमेंट शाये या इकोलॉजी स्टडी ऑफ थिंग्स दैट डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है पुटा। इकोलॉजी अस चाहूँ पुटा अड़ी ब्रांच जैमें अस चौधरी जे भी शूँ मौजूद माहौल में वे डील कें थी को जिंदा जानदार या जिंदा जानदार उन्होंने डील क्या था कन तो अड़ी स्टडी के अस चाहिए पुट इकोलॉजी मीन्स जे भी जानदार जिते रहन था उ लालमी शेयर क्या इंटरेक्ट था कन या जिंदा शेयर से उनको कड़ो ताल्लुक असो उनो ताल्लुक उनो असो ताल्लुक असो पान में रिलेशन कड़ो आ अस उन्होंने फ़ायदा हासिल था क्यों वो असा फ़ायदा हासिल था कन इन सजे इंटरेक्शन के सजे जो अमल के रिएक्शन के अस चाह इन स्टडी के इकोलॉजी इकोलॉजी जो पढ़ा उनके अस चाह इकोलॉजिस्ट उनके अस चाह इकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हू स्टडी इकोलॉजी साइंसदान जो इकोलॉजी पढ़न तो असके चाहना इकोलॉजिस्ट माना साइंटिस्ट ने करता चाहूँ छो तो वो साइंस जो स्टडी था कर माना साइंस की जो बुनियाद इकोलॉजी था पढ़ने के असके चाहूँ साइंटिस्ट हू स्टडी इकोलॉजी मीन्स जो इकोलॉजी पढ़न या एनवायरमेंट के बारे में पढ़न तो वो कड़ा असर तो हो लिविंग जानदार से या लिविंग जानदार जिंदा जानदार कड़ो इफेक्ट था कन असाज माहौल से या माहौल जहाँ कड़ा इफेक्ट था अपन जिंदा जानदार से इन सजे जो स्टडी इन अमल के अस चाह इकोलॉजी। तकरीबन दुनिया में पुट एनिमल्स जो फाउंड क्या वह 1 मिलियन एनिमल्स आर फाउंड अबाउट 1 मिलियन तकरीबन 1 मिलियन जो एनिमल्स फाउंड क्या वह तकरीबन प्लांट्स जो 20 लग जो हज़ार ये फाउंड क्या वह स्पीशीज मुख्तलिफ जो 3,25,000 हज़ार 50,000 स्पीशीज फाउंड कई वह छाज प्लांट्स जो हाँ ये एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह जो ये मुख्तलिफ अस माहौल में एनवायरमेंट में रहन सा असो तालुक इन तालुक के अस चाहता इकोलॉजी ठीक है। उन बाद में अचे तो एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट शाये इन एनवायरमेंट द थिंग्स दैट इफेक्ट on animals and plants या living organisms लिखी छो सब अची वा effect on living organisms is called environment ठीक है। माना अड़ी शे जिंदा जानदार के चौधारी हुजन इफेक्ट कन जिंदा जानदार से तो अड़े अस अमल इन अड़े माना कंडीशन के अड़े शे असा माहौल आ मिसाल
असाजो माहौल आ असाजो क्लासरूम एनवायरमेंट असाजो ठीक आ उनमें फैन हले तो फैन जो कड़ो इफेक्ट तो पे असाखे एयर दे तो यो एनवायरमेंट आ अगर अस अन्या नेचुरल शूं दिसूँ तो सिज के दिसूँ तो सिज असाखे छा तो जे रोशनी माना यो असाजो छा है एनवायरमेंट आ जो असा इफेक्ट करे तो मीन्स असाखे रोशनी जो अस शूं दिसी सकूं था वरी दिसूँ जो कर टेम्परेचर आ कोल्ड आ मी तो वसे रेनिंग थी चे यो असो एनवायरमेंट आ कड़ो इफेक्ट तो पे अस पानी जो असाखे मिले तो माना एनवायरमेंट जो इफेक्ट आन कड़ी शेयर अस चौधारी आन अस इफेक्ट थी कन अस जिंदा जिंदगी अस लाइफ से इफेक्ट थी कन चाहे वह अस फायदे में या अस नुकसान में इन सभी इफेक्ट्स के शेयर अस चौधारी इफेक्ट क्यों उन शूँ यो अस पुट एनवायरमेंट आ हर एक जानदार जो पैं एनवायरमेंट आ अस इतने रहूँ था असो एनवायरमेंट आ जे फॉरेस्ट में रहन था जंगल में रहन था उनो एनवायरमेंट आ उन्होंने ओली शे इफेक्ट थी कन अस इतने था रहूँ असाते पैं शे इफेक्ट थी कन तो एनवायरमेंट के हिसाब से इंसान उनका इफेक्ट भी एनवायरमेंट मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ थन्दा भले लिखी छो अगत पढ़ा पर हाल ही खबर हुव टेरिस्टल एनवायरमेंट थो ज़मीनी बो थे पुट मैरीन मुख्तलिफ एनवायरमेंट थन्दा फ्रेश वाटर हाँ ऐसो जानदार मुख्तलिफ इन एनवायरमेंट में रहा हूँ टेरिस्टल से रहा ज़मीनी रहा हूँ के समुंड में रहन था उन माहौल उन चौधारी शड़ी इफेक्ट थी कन उजू अथन अगर फ्रेश वाटर की गाल क्यों तो उन चौधारी जिंदा शा जन फैक्टर्स मौजूद उन इफेक्ट था कन माना हर शे जो पैं एनवायरमेंट आ हैबिटाट पर्टिकुलर प्लेस वेयर प्लांट्स आर एनिमल्स लिव प्लांट्स आर एनिमल्स लिव ठीक आ हैबिटाट है पुट पर्टिकुलर जो प्लेस आ जिते प्लांट्स या एनिमल्स रहता तो उनके चंदा हैबिटाट असो मुख्तलिफ़ हैबिटाट जो हाँ अस इतने था रहूँ सिटीज या गोठन में रहन था जो मूँ असि हैबिटाट आ के मूँ बर्फानी इलाक में था रहन उनकी हैबिटाट आ के मूँ झंगन में था रहन उनकी हैबिटाट आ मीन्स खास किस्म की कुछ प्लांट्स अड़ा हूँ जो इतने थियन था पर बर्फानी इलाक में नाथा अचन कुछ वरी प्लांट्स अड़ा जो उतने थन था इतने ना अचन ये उन पर्टिकुलर शन प्लेस इन प्लेस के अस चंदा हैबिटाट जो बर्फानी रिशा हाँ पोलर बियर जो यो किथे तो रहे पुट मथन इलाक में बर्फानी इलाक में अगर वो इतने ही तो मरी वो या कुछ शड़ी जो माना इतने जानवर रहन था जो कैट थो डॉग थो ये इतने था रहन तो बची वन हैबिटाट आनजी अगर अस उन बर्फानी इलाक में मोकिंदे तो वो इतने सर्वाइव करे न सकंदा उते मरी वेंदा मतलब गाल यो आ तो हर जानदार की पैं हैबिटाट आ वो उत ही रही सकंदो बाहर या उन बी हैबिटाट में रही न सकंदो जीअं फिश आ फिश की हैबिटाट छा है वाटर वह सिर्फ पानी में रही सकंदी बाहर गडंदासीं तो छा थी वेंदी मरी वेंदी अगर अस इंसान सो जमीन ते रहूं था खुश्की ते था रहूं अगर अस कें इंसान के पानी में उछलाए छूँ तो पानी में छा थी वेंदो मरी वेंदो त माना हर एक जानदार की लिविंग जानदार की पैं हैबिटाट आ हैबिटाट की शादा वो डेफिनेशन पर्टिकुलर प्लेस वेयर प्लांट्स आर एनिमल्स लिव खास किस्म की जगह जिते जानदार या एनिमल्स या प्लांट्स रहन तो उनके अस चंदा उनकी शाय पुट हैबिटाट आ उन बाद में पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज या सिमिलर ऑर्गेनिजम्स लिखी छोड़ो तसान ठीक है
हाँ पॉपुलेशन की डेफिनेशन वो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ठीक आ मिसाल तौर अस ह्यूमन पॉपुलेशन ठीक आ हाँ ये पुट एक एग्जाम्पल आ इंसान सब एक जड़ा तो माना पॉपुलेशन वी ह्यूमन पॉपुलेशन माना ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म माना मजमू सागे जानदार जो तो असड़े ही किस्म जहाँ तो असके ह्यूमन पॉपुलेशन चंदे अगर जंग में किथे घोड़ा घड़ा तो उन सभी के प्लेस में घोड़न के असा चंदा तो जिते यका घोड़ा होजन के चंदे हॉर्स पॉपुलेशन ठीक आ अगर जैसे उठ यका होजन के रेगिस्तानी इलाके में तो अस उत चंदे ये इनकी कैमल पॉपुलेशन ठीक आ अड़े हिसाब से पॉपुलेशन ठहंदी है मीन्स पॉपुलेशन अस मुख्तलिफ जानदार गडा कर नचंदे सागे ही किस्म जहाँ जानदार होजन तो उनके असंदे या इनकी पॉपुलेशन आ मिसाल किथे सौ मानू गड था अचन तो असंदे ह्यूमन पॉपुलेशन आ अस कम्यूनिटी न चंदे इनके चंदे ह्यूमन पॉपुलेशन अगर जैसे किथे सौ घोड़ा एक हंध बीठा तो असंदे या हॉर्स पॉपुलेशन माना उत हॉर्स जो मजमू आ अगर जैसे किथे उठ बीठा होजन यका तो अस उत कम्यूनिटी न चंदे तो उठन की कम्यूनिटी आ पर असंदे पॉपुलेशन छो तो साग ही स्पीशीज इन अगर मट मट होजन हाँ तो बो नालो दूँ हाँ पर जैसे साग स्पीशीज इन तो असंदे कैमिल पॉपुलेशन माना पॉपुलेशन मकसद यो जानदार जो सागा ही होजन एक जड़ा होजन एक किस्म जहा होजन एक खास जगह से होजन तो अस उनके इनकी पॉपुलेशन आ उनका बाद में कम्युनिटी कम्युनिटी चाहे ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड कम्युनिटी कम्युनिटी असा चंदा जैमें मुख्तलिफ स्पीशीज अची वन तो अस उनके चंदा पुट या कम्युनिटी आ माना मुख्तलिफ घणी जो मिसाल जो किथे जगह जगह आ उते इंसान भी रहन था उन्होंने गड गोट्स वगैरह पालन गोट्स या उन्होंने गड एनिमल्स भी पालन तो यहाँ वही कम्युनिटी थी इनके असा चंदा पुट कम्युनिटी माना एक जगह आ प्लेस आ ठीक आ उते एनिमल्स भी रहन था ह्यूमन भी रहन था ठीक आ हाँ ये बर्ड्स भी रहन था हाँ यहाँ वही कम्युनिटी माना मुख्तलिफ किस्म जो उत स्पीशीज मौजूद होजन अड़ी जगह जिते माना एनिमल्स भी रहा होजन गड उत इंसान भी रहा होजन पक्षी भी होजन तो उन जगह के माना उन मेड़ के या कलेक्शन के चंदे कम्युनिटी प्लेस जगह या कलेक्शन के चंदे तो यहाँ पुट कम्युनिटी आ कम्युनिटी मतलब यो मुख्तलिफ जो जानदार उत गड रहन पॉपुलेशन में सागा ही कमी जो जानदार पे रहन इंसान थी पाया वजन या घोड़ा थी पाया वजन या उठ पर कम्युनिटी में मुख्तलिफ शूँ पा में गड़जी रहन तो असके चंदा या कम्युनिटी आ मिसाल जंग में तुम वो तठ भी गड मिलंदा उत घोड़ा भी तक गड पा में मिलंदा माना मुख्तलिफ जानदार तक पा में गड मिलन तो असके चंदे या इनकी कम्युनिटी आ अड़े हिसाब से जो इनकी डेफिनेशन अस वही था वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स माना मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम जो ग्रुप या कलेक्शन जो माना एक हंध किथे गड फीडिंग कंदा होजन खाइंदा होजन किथे रिप्रोडक्शन कन तो अस उनके चंदा इनकी कम्युनिटी आ उनका बाद में इकोसिस्टम ये एक चेन ठहल आ शुरू थी स्पीशीज का स्पीशीज उनका बाद में पॉपुलेशन पॉपुलेशन का बाद में कम्युनिटी कम्युनिटी का बाद में इकोसिस्टम
इकोसिस्टम का बाद में आए बायोस्फीयर। ये एकड़ी सीरीज आ जेका शुरू थींदी आहे घटि में घटि लेवल स्पीशीज़ ते, नंबर सेकंड ते पॉपुलेशन, थर्ड ते कम्युनिटी, फोर्थ ते इकोसिस्टम, नंबर फाइव ते बायोस्फीयर। स्पीशीज़ थी वयूं कैमल वग़ैरह डॉग वग़ैरह थी स्पीशीज़ में। पॉपुलेशन मुख़्तलिफ़ जेको आहे स्पीशीज़ सेम स्पीशीज़ जेको आहे पाण में गॾु हुजनि, जीअं उठ वग़ैरह थी विया या घोड़ा या इंसान या पॉपुलेशन आहे। कम्युनिटी सां छा था वठूं, जॾहिं पॉपुलेशन पाण में मुख़्तलिफ़ पॉपुलेशन पाण में मिलनि त इहा असांजी छा थी वेंदी, कम्युनिटी, माना घोड़ा उठ माण्हू हर हंधि गॾु वेठा हुजनि त इहा कम्युनिटी थी वई। इकोसिस्टम जी ॻाल्हि कयूं त मुख़्तलिफ़ कम्युनिटियूं पाण में गॾु हुजनि। मिसाल तौरु टेरिस्टल इकोसिस्टम आहे, माना हिकिड़ी वॾी ज़मीन आहे जिते इंसान बि रहनि था, मुख़्तलिफ़ पॉपुलेशन बि गॾु आहिनि, उते कम्युनिटियूं बि आहिनि, मुख़्तलिफ़ कम्युनिटियूं आहिनि, जानदारनि जूं बि, जानवरनि जूं पंहिंजूं कम्युनिटियूं, इंसाननि जूं पंहिंजूं कम्युनिटियूं, माना मुख़्तलिफ़ जेको आहे जानदार रहनि नंढी नंढी जॻह ते, उहो माना हिकु वॾी वसी एरिया थी वञे त असां हुनखे छा चवंदासीं, इहा छा आहे इकोसिस्टम। जीअं टेरिस्टल इकोसिस्टम थींदो आहे, माना ज़मीन जेका बि आहे इहा असांजी छा में अची थी वञे इकोसिस्टम में, माना उते मुख़्तलिफ़ कम्युनिटियूं अची थी वञनि, जानदारनि जूं पंहिंजूं, इंसाननि जूं अची थियूं वञनि, माना जॾहिं कम्युनिटियूं गॾिजी वञनि, घणियूं कम्युनिटियूं ठही वञनि त उहो अॻिते हली छा ठहंदो आहे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पाण में मिली करे बायोस्फीयर ठहंदो आहे, मींस पाणी वारो इकोसिस्टम बि थी वियो, वाटर इकोसिस्टम या ज़मीन वारो इकोसिस्टम, इहे पाण में हाणे दुनिया में जिते बि जानदार रहनि था हिन सॼी दुनिया में उन प्लेस खे असां छा चवंदासीं इकोसिस्टम, बायोस्फीयर मींस प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स प्रेज़ेंट, माना दुनिया जी उहा हर जॻह जिते जानदार मौजूदु हुजनि था उनखे असां छा चवंदासीं बायोस्फीयर, माना मुख़्तलिफ़ जेको आहे यूनिट्स ठहियल आहिनि जानदारनि खे तक़सीम करण जा। इंशाल्लाह असां नेक्स्ट टॉपिक में वरी ॿी शइ खणी ईंदासीं, तेसि ताईं टेक केयर, अलाह हाफ़िज़।